वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चले माशाल्लाह, मैं सोचा था कि कम से कम पहुँच जाए, कुछ तो पढ़ लेंगे, दो चार कलाम तो पढ़ लेंगे। हाँ, चले शुरू करें, हम दिवाली ताला से शुरू करें, उसके बाद पढ़िए। सरदार, जी हाँ, तैमिया सरदार बड़ी खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं और सिंगर हैं, और माजी में इनके बहुत सारे जो है गाने, इनके ऑडियो कैसेट्स का दौर था तो इनके गाने एफएमआई पाकिस्तान में काफ़ी गाने, इनके सॉन्ग्स प्ले हुए हैं। खूबसूरत आवाज़ के मालिक, इंशाल्लाह जब हमारी ट्रांसमिशन ईद के बाद जब मेरा रेगुलर प्रोग्राम शुरू होगा तो उसमें किसी दिन इनको हम बुलाएंगे तो फिर कुछ इनसे बातचीत भी करेंगे, कुछ सुनेंगे फिर इनसे इंशाल्लाह। और खदीजा इश्तियाक जलीली सनाखा हैं, वो भी मैं ज्वाइन कर चुकी हैं, खुश आमदीद कहते हैं खदीजा को। उसके साथ जुबैदा नाज कहती हैं माशाल्लाह मैविश, और उसके साथ फिर तनवीर इकबाल साहब सनाखा जो कि लियारी में हमें देख रहे हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। और हाफिज़ा सबिया नासिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो खुद माशाल्लाह खुद सनाखा हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं।
और सोफिया कमल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आपको वेलकम कहते हैं। तनवीर इकबाल साहब कहते हैं कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला FM 100 की पूरी टीम की मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन आमीन सुमा आमीन जज़ाकल्लाह। और उसके अलावा निदा सलाउद्दीन इस वक्त हमें देख रही हैं। निदा आपको कहाँ इस वक्त, UK में हो या कहाँ पर हो, अगर आप सुन रही हो मुझे ज़रूर बताओ कि आप किस मुल्क में अभी हो, आजकल कहाँ हो। तो ठीक है, और आते हैं हम कलाम की जानिब। जी आविश, कौन सा कलाम आप सुना रहे हैं? Hey, hey, hey.
बात इंडिया से, हमें फलक हमें देख रही है, फलक आपको वेलकम कहते हैं और कैसे हम ठीक ठाक खैरियत से हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और काजी नूर इस्लाम साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ, कैसे आप ठीक ठाक हैं काजी साहब, आप खैरियत से हैं और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। और उसके साथ सैयद फरीद हुसैन साहब बहुत प्यारे से हमारे भाई हैं और आजकल इनका जो है कुतुब मेला लगा हुआ है फेडरल भी एरिया में यूसुफ प्लाजा के सामने, तो कल जो है मेरे ख्याल परसों जुमे को जो है यहाँ इनके यहाँ जो है वो माशाल्लाह से मुशायरे भी बड़े बड़े शोरा करा आ रहे हैं, वहाँ पर एक मुशायरे भी है और इंशाल्लाह वक्त मिला तो शायद मैं भी वहाँ पर मौजूद होऊंगा। हम भी वो कहते हैं हम भी वहीं मौजूद थे। और तो बहरहाल आपको खुश आमदी कहते फरीद भाई, कैसे ठीक ठाक है खैरियत से, तो ये सिलसिला। और अब जी अब कौन सा कलाम सुना रही, तो फिर आप ऐसे सुनाएंगे जो दो तीन मिनट का हो ताकि उसके बाद हमारी ब्रेक होगी, फिर दो शेर जी बिस्मिल्लाह। जो कि इस वक्त सऊदीया में मदीना में हमें देख रही हैं, वो कहती हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, शुभ वालेकुम सलाम, और आप न्यू टैलेंट को भी अपने प्रोग्राम में बुलाएं, ये सब न्यू टैलेंट ही है जो आगे माशाल्लाह चल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही है, इसी तरह ही इनको अब जितने मेरे पास लोग आते हैं सभी इनको आप चैनल पर भी देख रहे होते हैं, रेडियो पर भी देख रहे हो सुन रहे होते हैं, तो ये सिलसिला सारा चल रहा है। और उसके बाद मेरी कज़न भी बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जी, तो हमारी तरफ से उनको जो है बेस्ट विशेज दे दीजिएगा। और उसके बाद सैयद फरीद हुसैन साहब कहते हैं कि आप मुशायरे में आएँगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी, जज़ाकल्लाह फरीद भाई,
मेरी कोशिश ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला, मैं ज़रूर जो है कुतुब मेले में आपके जो है मुशायरे में कोशिश करूँगा, क्योंकि माशाल्लाह बड़े बड़े शोरा कराम वहाँ पर होंगे, और जो शायरी को पसंद करते हैं, जो अदब को पसंद करते हैं, जो किताब कल्चर से मोहब्बत करते हैं, यकीनन वहाँ मौजूद होंगे कुतुब मेले में आपके। ज़रूर जज़ाकल्लाह, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। जी अब आते हैं आपके पास, जी आपको कौन सा कलाम सुना रही हैं? सा कलाम, और 8:00 तकरीबन जो है 56 मिनट हो चुके हैं, तो सबा काविश जजाकल्ला। बस आपसे पहले भी मैंने की थी आपने कहा भी था, तो बस आप जब मदीना में हैं तो हमारा सलाम भी पहुँचाइएगा, और
हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा इंशाल्लाह ताला कुछ, ताकि हम भी आके हाज़िरी दे सकें और हम भी खुद सामने पहुँच के सलाम पहुँचा सकें। तो जज़ाकल्ला, आपको जज़ा खैर देगा। और अब जो है वो यकीन हमारे साथ में बाकी हैं। तो अच्छा ये बताएं आप महविश के, आप क्या आप कब से सना खानी कब से कर रही हैं? तो बचपन से ही कर रही हूँ। बचपन से, लेकिन ये है कि जो प्रोफेशनल स्टार्ट हुआ वो 3 साल से। 3 साल से आपने प्रोफेशनल मतलब किया बचपन से, तो सीखा आपने किसी से सीखा या सिर्फ सुन सुन के? मतलब घर में आप ही जो है उन्होंने तरबियत दी है, घर में माहौल इस तरह से हमें मिला, नात खानी का हर रबे कवर हो गया, अभी शरीफ हो गया, हमें मनाया करते थे, तो उसी से मतलब ट्रेंड जो है वो घर में चला। और फिर भाई, बल्कि मुझसे छोटा है लेकिन मैंने उससे भी सीखा है। अच्छा, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा पढ़ता है, तो मैंने उसे देख कर भी जो है वो एक कहते हैं ना आगे बढ़ने की एक लगन होती है, तो बस उसी को देखकर मैंने कहा बस अब उससे मुझे आगे बढ़ना है। गुड, माशाल्लाह। तो एक स्टार्ट की जस्तुजू थी। तो घर में इसका मतलब है घर में आपके माशाल्लाह सारे ही जो सहानी करते हैं। चले बहुत अच्छी बात है। तो कोई एल्बम कोई सीडी वगैरह आपकी आई है, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करो? अभी तक हुआ नहीं है, सोच रही हूँ इंशाल्लाह, प्रोसेस में। अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा अब जो है वो आखिरी दुआई कलाम होगा, दुआई कलाम, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो है आज का, फिर ये कि आप फिर भी चले वक्त पर आ गई, तो सही आपकी शिरकत हो गई है, वरना मैं सोच रहा था कि आप पता नहीं वक्त पर पहुँचे नहीं पहुँचे, और मैंने जिक्र भी किया था मैंने ट्रैफिक है पहुँचाना होता है, बस बस सजाने के लिए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, जज़ाकल्लाह। चले ज़रूर इंशाल्लाह ताला। और उससे पहले जो है मैं अपने तमाम ही सुनने वालों से इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह ताला, अब आपसे मेरी मुलाकात जो है आज ही रात को 1 बजे होगी, और आपको तक आज जो हमारी खसूसी ट्रांसमिशन जो ताक रातों के हवाले से वो भी होगी, और 11 बजे से प्रोग्राम होंगे, मेरा प्रोग्राम जो है वो 1 बजे से होगा, 1 बजे से 3 बजे तक इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ रहूँगा। और डॉक्टर शफी शाह साहब होंगे हमारे साथ, और उसके साथ साथ लाहौर से आए हुए हमारे एक और सनाखा मेहमान रिजवान घुमन हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह रात को 1 बजे। और इस तरह ही रात की नाइट ट्रांसमिशन में आपका मेरे साथ दोबारा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला बस हम सब पर अपना करम करे, रहम करे। और आपका बहुत शुक्रिया, आप आ गई माशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। कब गनो गनो